हाय एवरीवन, तो यार आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ जो रियलमी C51 मोबाइल है उस फोन का जो बैटरी प्रॉब्लम है उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि यार अगर आप लोग कोई भी गेम खेल रहे हो या आप लोग यूट्यूब देख रहे हो या कॉल पर बात करो और आपका मोबाइल का बैटरी बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है, उस प्रॉब्लम का मैं 100% सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। यार एक नहीं, दो नहीं, तीन आप लोग का ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिस तीनों सेटिंग का आप लोग रियलमी C51 मोबाइल में कर लोगे तो यार गारंटी के साथ आपका मोबाइल का बैटरी जो जल्दी खत्म होता था वो होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो कौन कौन सा ये सेटिंग है वो बताने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जो हमारा जो Realme C51 मोबाइल है उसी का मोबाइल स्क्रीन में लेकर चलता हूं। तो चलते हैं Realme C51 मोबाइल स्क्रीन के अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं Realme C51 मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आ गया हूं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं तीनों सेटिंग आप लोगों को कौन कौन सा करना है। तो बात की जाए सबसे पहला सेटिंग को, पहला सेटिंग आप लोगों को करना है आपका मोबाइल का जो सेटिंग रहता है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। वो आप लोग का मोबाइल का जो स्क्रोल डाउन करना है नीचे की तरफ थोड़ा सा चले जाना है। जाने के बाद आप लोग ऊपर में देख सकते हो बैटरी, बैटरी पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा फिर से अगेन नीचे की तरफ जाना है। जाने के बाद आप लोग को मिल जाएगा मोर सेटिंग्स। तो जो मोर सेटिंग्स जो लिखा हुआ इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को इसमें ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, वो आपको पहला वाले पे क्लिक कर देना है परफॉर्मेंस मोड पे। इसके बाद आपको जो देख सकते हो दूसरा नंबर में लिखा हुआ है स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पे ये सेटिंग ऑन है, लेकिन आप लोग को ये हटाकर आप लोग नो परफॉर्मेंस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। मतलब तीसरा वाले नंबर पे आप लोग पे क्लिक कर देना है। ये हो गया यार आपका पहला सेटिंग करना है। अब बात की जाए वो आपको दूसरा सेटिंग क्या करना है, दूसरा सेटिंग आप लोग को अगेन चले जाना है फोन का सेटिंग में। जाने के बाद यार आप लोग को फिर से अगेन बैटरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे की तरफ थोड़ा सा जाना है और इसमें आप लोग को मिल जाएगा पावर सेविंग मोड, जैसे कि देख सकते हो इस पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग ये जो पहला नंबर आप लोग देख सकते हो पावर सेविंग मोड, वो आप लोग को ऑन कर देना है अपना फ़ोन में। ये अगर आप लोग ऑन कर दो तो काफ़ी हद तक आपका मोबाइल का बैटरी आपको धीरे धीरे ख़त्म होगा। जो जल्दी जल्दी अगर आप लोग ये जो ऑप्शन जो इनेबल नहीं रखोगे तो इसका कारण आपका मोबाइल का बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये ऑप्शन इनेबल कर लोगे तो आपका मोबाइल का बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो अब बात करते हैं यार तीसरा सेटिंग आप लोग को क्या करना है। तीसरा सेटिंग आप लोग का अगेन सेटिंग में जाना है। जाने के बाद आप लोग नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करना है, आप लोग को डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यार ये जो लाइट मोड पे आप लोग का फोन है वो हटाकर आप लोग को डार्क मोड पर क्लिक कर देना है। ये डार्क मोड पे क्लिक कर दोगे यार और जो ब्राइटनेस आपका जो ज़्यादा जो रहेगा वो ब्राइटनेस को भी आप लोग को कम कर देना है। ब्राइटनेस को आप लोग जितना भी कम रखोगे तो उतना आपका मोबाइल का बैटरी धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये मैंने तीनों सेटिंग आप लोग को बता दिया। इस तरह से आप लोग Realme C51 मोबाइल में बैटरी को जल्दी जल्दी जो खत्म होता था वो इससे आप लोग बचा सकते हो। जो जो मैंने सेटिंग बताया वो सारा सेटिंग आप लोग अपना फोन में अप्लाई कर लोगे तो यार 100% गारंटी के साथ आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो फिक्स हो जाएगा। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।